Dr. J. R. Anam. I'm a Mumbai-based breast cancer and breast oncoplasty surgeon. मुझे ये मेरे पेशेंट्स बहुत टाइम पूछते हैं कि सर मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, क्या मैं मेरे पोते पोती के साथ खेल सकती हूँ, क्या मैं मेरे हस्बैंड के साथ सो सकती हूँ, तो ब्रेस्ट कैंसर उनको फैलेगा तो नहीं। तो आज मेरा वीडियो इसी विषय पर है, इस ब्रेस्ट कैंसर कंटेजियस। सबसे पहले आप दिमाग में ये बात डाल लीजिए कि ब्रेस्ट कैंसर किसी जर्म्स या कीटाणु से नहीं हुआ है। जो जर्म्स या कीटाणु होते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस था, वो कंटेजियस होते हैं, वो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को जा सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर इसकी वजह से नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर इज ड्यू टू द एबनॉर्मल सेल्स जो कि प्रोलिफरेट हो रहे हैं आपकी बॉडी में। ये बिल्कुल भी कंटेजियस नहीं होता है। ये किसी के साथ उठने बैठने से ब्रेस्ट कैंसर नहीं फैलता है, किसी के साथ खाना खाने से ब्रेस्ट कैंसर नहीं फैलता है, किसी के कपड़ों से ब्रेस्ट कैंसर नहीं फैलता है। ये बिल्कुल भी कंटेजियस नहीं होता है। इनफैक्ट जब किसी लेडी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो उनको बहुत फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो हमें उन्हें अकेला महसूस नहीं होने देना है, हमें उनका साथ देना है और हमें उनके साथ रहना है। तो माई मैसेज इज़ वेरी क्लियर, ब्रेस्ट कैंसर इज़ नॉट कंटेजियस, प्लीज़ डू नॉट बी अफ्रेड and take care of your near and dear ones in their time of need. Thank you.